हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्टिंग करने वाला हूँ एंड उसके अंदर 70,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम उसके पीछे का पूरा लॉजिक समझेंगे एंड अगर आपको भी इन्वेस्टिंग करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। इसी स्टॉक के अंदर हम आज इन्वेस्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी क्वांटिटी ऐड करता हूँ। तो इस स्टॉक के अंदर मैं टोटल 68 क्वांटिटी ऐड करता हूँ एंड आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म देख सकते हैं और मार्केट प्राइस के ऊपर हम यहाँ पर इसको बाय करने वाले हैं एंड मैं यहाँ पर बाय के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखिए, हमारा बाय का ऑर्डर लग चुका है एंड हम यहाँ पर पोजीशन में आए। तो आप यहाँ पर इस M&M की पोजीशन देख सकते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी 68 है एंड जो मेरी एवरेज एंट्री प्राइस है वो यहाँ पर 1032 है और आप यहाँ पर ये रनिंग PNL भी देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसका लॉजिक समझते हैं कि मैंने इसको यहाँ पर बाय क्यों किया है। मैं आपको यहाँ पर डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में ले चलूँगा और तीनों में हम यहाँ पर इसका लॉजिक समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अभी मैंने इस स्टॉक को बाय किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी इसको बाय करना चाहिए। एंड अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और आप कभी भी इन्वेस्टिंग करें या फिर स्विंग ट्रेडिंग करें तो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कभी ना करें। और ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके मंथली के चार्ट के अंदर आते हैं एंड आप इस लेवल को अगर देखें तो ये लेवल पहले एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ था। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पर पहली बार इसमें काफ़ी अच्छा फॉल आया था और यहाँ पर ये दूसरी बार इसके पास गया था और रिजेक्शन ले लिया था। और आप यहाँ देखें तो यहाँ पर इसने 4-5 बार इसे रिजेक्शन लिया हुआ है और फाइनली इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट भी कर दिया है। और अब मैं इसको हटा देता हूँ एंड अभी मैंने यहाँ पर बुलिंजर बैंड को लगाया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर सिंपल 20 मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। जो बुलिंजर बैंड की मिडिल लाइन है वो यहाँ पर 20 SMA है और इस स्टॉक ने यहाँ पर 20 SMA से काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी लिया हुआ है और इस लेवल से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर इसमें काफ़ी अच्छी एक अपसाइड रैली हमें देखने को मिल रही है जो कि इसके लिए बहुत ही एक अच्छी बात है। एंड हम यहाँ पर वीकली के चार्ट के अंदर आते हैं और वीकली में भी आप यहाँ पर देखें तो मैं इस बुलिंजर बैंड को हटाता हूँ और इस लेवल को अगर हम यहाँ पर मार्क करें तो ये लेवल एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ था और इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेकआउट भी कर दिया है। एंड आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको डबल राउंडिंग बॉटम देखने को मिल जाएंगे एंड इस नेकलाइन का भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई हुई है। तो अब हम यहाँ पर इस ड्रॉइंग को हटा देते हैं और आप डेली के टाइम फ्रेम में भी अगर इसको देखें तो ये स्टॉक आपको यहाँ पर काफ़ी बुलिश देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम का एक अच्छा साइन है। एंड इस स्टॉक के अंदर हम होल्डिंग की बात करें तो इस स्टॉक को मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ एंड अभी मैंने इस स्टॉक के अंदर अपने कैपिटल का कुछ हिस्सा डाला हुआ है। एंड इस स्टॉक के ऊपर आपके क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही एंड ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।